हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हमारे पास ये वाटर डिस्पेंसर आया है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि ये करंट मार रहा है। इसमें जब भी हमारा गर्म पानी का चालू कर रहे हैं ये, तो इसमें करंट मार रहा है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें करंट क्यों मार रहा है। इसको हम पूरा चेक करेंगे कि इसमें करंट क्यों मार रहा है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हम इसको जो है खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें करंट क्यों मार रहा है, इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें पीछे से ये जो इसका जाल होता है, ये हीटिंग जाल जो कूलिंग के उस पर यूज़ होता है, इसके हमें पेज खोलने होते हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। तो हमने इसके 3 पेज खोल रखे हैं, चौथा पेज भी हम इसका खोल देते हैं। तो हमने इसका पेज खोल दिया है ये। तो इसमें जो है हमारा पानी जो हम गर्म करने का ऑन करते हैं तभी ये करंट मार रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे कि करंट क्यों मार रहा है। तो इसकी जो हमारी वायर है एलिमेंट की, जो यहाँ पर आ रखी है, इस एलिमेंट को हम यहाँ से हटाएंगे, एलिमेंट की वायर को, सॉरी। इसकी वायर को हटाने के बाद जो है हम इसके जो दोनों पॉइंट हैं, ये वाले न्यूट्रल फेस के जो एलिमेंट के पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम क्लाइमीटर से चेक करेंगे कि हमारी क्वांटिटी बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर हमारी क्वांटिटी बोलता है तो हमारा एलिमेंट ठीक है, पर ये फिर भी करंट मार रहा है, तो वो भी चेक करेंगे कि हमारी बॉडी अर्थिंग तो नहीं होगी एलिमेंट की। और अगर हमारी एलिमेंट नहीं बोलता है तो उसका मतलब यह है कि अंदर से ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से जो है जब हमारा पानी इसमें जा रहा है तो वो शॉर्ट कर रहा है, करंट मार रहा है। हम इसके पहले एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। एलिमेंट को चेक करने के लिए हम क्लाइमीटर यूज़ करेंगे अपना, वही इसे कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। तो जो हम प्रॉब को हैं एलिमेंट के दोनों पॉइंटों पे लगाएंगे, जिसको हमारी न्यूट्रल फेस की तार लगती है, तो हम दोनों पे लगाते हैं और चेक करते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो नहीं बोल रहा है, यानी कि हमारा एलिमेंट ख़राब है। और इसको बॉडी पर टच करते हैं जब एलिमेंट के पॉइंट को, तो हमारा बॉडी पर बोल रहा है, यानी कि एलिमेंट के एक पॉइंट पर हमने प्रॉब लगाई और दूसरी इसके बॉडी टैंक की बॉडी पे लगाई, तो हमारा बोल रहा है, देखिए इस तरीके से। यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो शॉर्ट हो चुका है, अंदर से क्रैक हो चुका है, फट चुका है, जिसकी वजह से जब हमारा पानी हम इसमें डालते हैं, हमारे एलिमेंट जहाँ से क्रैक हो रखा है उस पर पानी लग रहा है, तो वो साथ में करंट आ रहा है। उसकी वजह से जब हम भी पानी को निकालते हैं तो हमारे भी करंट लग रहा है। तो उसका कारण यही है कि हमारा एलिमेंट अंदर से फट चुका है। तो इसमें करंट आने की जो समस्या थी वो ये थी, एलिमेंट ख़राब होने की वजह से हमारा करंट आ रहा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।